प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आप सबको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप खुदावंद के फजल को, उसकी बरकत को, उसकी सरफराजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर बल्कि अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर जो है वो महसूस कर रहे हैं और जान रहे हैं। और आपका फीडबैक जो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजते हैं, ये हमें बताता है कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद के फजल को जो है वो जारी कर रहा है और आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को, सरफराजी को और सलामती को जो है वो हासिल कर रहे हैं। हम सारा जलाल ऑनर जो है वो खुदावंद पाक के नाम को देते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी इसलिए भी करते हैं कि वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को, सलामती को जो है वो जारी करता है ताकि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते रहें और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हमेशा ऊँचा होता रहे। हम खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं। मेरे अजीज़ो, हम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने मेहमानों के साथ, क्योंकि जो भी मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं वो अपनी ज़ाती गवाही के ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से आपको आगाह करते हैं ताकि उनकी गवाहियों के वसीला से आपका ईमान जो है वो बढ़े और उस ईमान के वसीला से आप इस ज़िंदगी के अंदर एक अच्छी कुश्ती जो है वो लड़ सकें और आपकी ज़िंदगियों से मसीह के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिल सके। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आज भी स्टूडियो के अंदर बहुत ही खूबसूरत खादमीन मौजूद हैं जो आपसे बात करेंगे अपनी खिदमत के ताल्लुक से और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने उन्हें बुलाया और उन्होंने उस कॉल को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उस कॉल को जो है वो वेलकम किया और आज खुदावंद के लिए खूबसूरत खिदमत जो है वो कर रहे हैं। यकीनन आज की बातों के वसीला से भी आप बरकत और सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। आए, मैं आपको लिए चलता हूँ अपने मेहमानों की तरफ और हम उन्हें आज के प्रोग्राम के अंदर जो है वो खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा पास्टर सैमुअल जलाल साहब को। भाई साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अनवर भट्टी साहब। भाई साहब, आपको भी खुश आमदीद। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर इमरान साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अमजद अनायत साहब। भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और यकीनन नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ताकि खुदावंद के नाम को हम मिलकर इज़्ज़त और जलाल दें। सो आएँ, आज के प्रोग्राम को हम इब्तदाई दुआ से जो है वो शुरू करेंगे और इब्तदाई दुआ के लिए मैं गुजारिश करूँगा पास्टर अनवर भट्टी साहब से कि भाई साहब, आप इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। खुदा को दो जिंदा आसमानी बाप, लश्कों के खुदा, रब लफाज, कुल कायनात के खालिक व मालिक, ऐज़ली अब्दी जलाली जिंदा खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। कादर मुतलिक जिंदा खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। रब लफाज, लश्कों के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तेरी सारी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी सारी जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी सारी हशमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, आज की इस प्रोग्राम के लिए जो फजल टीवी में तूने हमें मौका अता किया है कि तेरा जिंदा कलाम को शेयर कर सकें, खादमों के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती मांगता हूँ। फजल टीवी के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती मांगता हूँ। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा जिंदा कलाम सुनने वालों के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती मांग लेता हूँ। ऐ खुदावंद खुदा, ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीलत से। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो नाज़रीन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम हमेशा खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल देते हैं और जब हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो इस सफ़र के अंदर बाज़ुकात हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ही जो है वो सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हम महसूस करते हैं कि शायद मैं थक गया हूँ या मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ, डोंट बी लाइक दिस।
देश आपको इस तरह से नहीं सोचना, बल्कि आपको हर रोज एक नए जज्बा के साथ और इस अवेयरनेस के साथ अपने आप को लेकर चलना है कि खुदावंदों का खुदा मेरे साथ है, जो कादर मुतलिक है, जो हर तरह का काम मेरी जिंदगी के अंदर मुमकिन कर सकता है, जिसे मैं नामुमकिन सोच रहा हूँ खुदावंद उसे मुमकिन करने की कुदरत जो है वो रखता है। और खुदावंद हर रोज आपको दावत देता है। अगर हम अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 11वें बाब के अंदर देखें तो वो आप सबको पुकारता है, वो आपको कॉल देता है और कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ। वो सभी जो बोझ के नीचे हैं, जो दबे हुए हैं, जो थक चुके हैं, जो हार चुके हैं, अपनी जुस्तजू के वसीला से, अपनी मुशक्कत के वसीला से आज भी खुदावंद आपको कॉल दे रहा है और वो कह रहा है कि आपको इस बोझ को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, जस्ट कम टू मी, मेरे पास आओ, क्योंकि जो मेरा बोझ उठाएगा, कलाम के अंदर लिखा है, उसका जुआ क्या है, हल्का और मुलायम है। बाज़ुकात हम अपने तौर पर अपनी फाइट जो है वो लड़ रहे होते हैं, अपनी कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के साथ कंसल्ट करें, खुदावंद के कदमों में आए। जब आप ये सोच रहे हैं कि अब ये टाइम बहुत लंबा हो गया है, मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, शायद आप अपनी कोशिश से उस काम को कर रहे हैं, अपनी हिकमत से उस काम को कर रहे हैं, अपने बलबोते पे उसको करना चाहते हैं, लेकिन जूं ही आप अपनी स्पिरिट के अंदर खुदावंद को कॉल देंगे और खुदावंद के सुपुर्द अपने मामलात को करेंगे, खुदावंद के सुपुर्द अपनी सिचुएशंस को करेंगे, तो वो आपको दावत देता है, वो आपको बुलाता है, कम टू मी, मेरे पास आओ। आपको आज भी यीशु के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह की कंडीशन के अंदर हैं, इस तरह की जो है वो हालात के अंदर हैं, तो ज़रूर डेफिनेटली जैसे ही आप उसकी तरफ जाएंगे, वो आपको वेलकम करेगा, आपके जुए को उतार कर जो है वो एक साइड पर रखेगा, और वो जुआ जो हल्का और मुलायम है, जिसे लेकर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भाग सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और आपकी लाइफ जो है वो ग्लोरी टू ग्लोरी एक दूसरे लेवल के ऊपर जाएगी, और खुदावंद की वो सारी बरकात जो उसने आपको बख्शी हैं, आप अपनी इस ज़िंदगी के अंदर उन्हें जो है वो इंजॉय करेंगे, और इसके वसीला से सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के पाक नाम को जो है वो मिलेगा। और खुदावंद यही चाहता है कि आपकी ज़िंदगियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी के कदूस नाम को इज्जत और जलाल मिले और खुदावंद की बरकत आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ती चली जाए। सो आए अजीज़ो, अभी वक्त हुआ चाहता है हम एक गीत सुनेंगे और इस गीत के वसीला से हम खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल देंगे। गीत हम गाएंगे, मालिक यीशु है, यीशु ही हमारा मालिक है, जिसे अगापे सिस्टर ने गाया है। आए इस गीत को सुने और इसके वसीला से बरकत को पाएं।
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यकीनन नाज़रीन आपने इस गीत को सुना है जिसके अंदर अगापे सिस्टर्स इस बात को हमारे सामने ला रही हैं, मालिक यस्सु है। यकीनन यस्सु ही हमारी जिंदगियों का मालिक है, और जब हम अपने मालिक के पास रहते हैं, उसके कदमों में रहते हैं, तो वो हमारी सारी जिम्मेदारी को उठा लेता है और हमारी जिंदगियों को आसान बना देता है। तो आए, अभी वक्त है कि हम अपने मेहमानों से बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्टर अनवर भट्टी साहब से। भाई साहब, इस वक्त जो भी आपके दिल के अंदर बात है, वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त आपको फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ बात करें। ये खुदावन का शुक्र है कि आज मुझे फजल टीवी पे मदऊ किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम शेयर करने के लिए मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा क्राइसिस था। जब से मुझे मेरे खुदावन ने चुन लिया और मुझे कलाम की नेमत अता की, तो मैं बहाल हो गया, मेरी ज़िंदगी बहाल हो गई। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मौजात हुए हैं, तो मैं आज खुदावन का शुक्र करता हूँ कि इस मकाम पर बैठा हुआ कि आज मैं फजल टीवी पे भी आया हूँ, मुझे बुलाया गया है कलाम शेयर करने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, मैं बहुत ही खुदावन खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं इस लायक नहीं था कि मुझे आज कलाम की नेमत खुदा ने दी है, और यहाँ जहाँ भी मुझे खुदावन खुदा इस्तेमाल कर रहा है। और अभी मैं जीसस क्राइस्ट शमा हीलिंग मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ, जो कि अंदरून शहर में शुमाली एरिया सारा हमारे पास है, बहुत बड़ी कलीसिया है जिसके साथ मैं खिदमत का काम कर रहा हूँ खुदा का। तो मेरे अजीज़ों, ये है मेरी गवाही। जितनी देर तक मैंने यस्सु को कबूल नहीं किया था, उतनी देर तक मेरी ज़िंदगी में क्राइसिस रहा। मैंने दौलत तो थी मेरे पास, लेकिन दौलत क्या करती है जब तक इंसान खुदा पर भरोसा ना रखे। आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी बशर पर नहीं भरोसा रखता, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि जो किसी इंसान पर भरोसा रखता है, किसी बशर पर भरोसा था, वो मलाऊन है। आज मेरा पूरा तवक्कुल, पूरा ईमान, पूरा भरोसा मेरे खुदा में यीशु पर है, और मैं खुदा का काम कर रहा हूँ, खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहाल हूँ, मैं बच्चों के बच्चे देख रहा हूँ, मुझे खुदा ने बड़ी बरकत दी है। तो मैं ये बड़ी फ़ख्र के साथ गवाही देना चाहता हूँ फजल टीवी पर कि खुदामंद के साथ आज चलने की हर आदमी की ज़रूरत है कि खुदामंद पर भरोसा रखें। किसी भाई बहन कहीं किसी शख्स पर, किसी फ़र्ज़ पर भरोसा ना रखें कि उसने तो बहुत दौलत कमाई है, गाड़ी ले ली है, मकान ले लिया है, घर बना लिया है। आज आपने जीसस पर भरोसा रखें जो मुहैया करने वाला खुदा है, और कसरत से मुहैया करने वाला खुदा है। वो कलाम करता है कि मैं इसलिए आया कि वो निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ, बल्कि कसरत से पाएँ। तो मेरे अजीज़ों, आज ये मेरी गवाही है कि मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ। खुदा ने मुझे सेहतजाबी दी है, उम्र की दराजी दी है, तो बच्चों के बच्चे मुझे दिखाए हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। खुदावंद का ये शुक्र है, उसकी रहमत है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर अनवर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत गवाही जो है वो फजल टेलीविज़न के नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर की। और देखिए नाज़रीन, भाई साहब यही बता रहे थे कि जब हम मसीह के साथ हैं, जब हम उसके साथ चलते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी करता है। वो कहते हैं कि मेरे पास मालो दौलत तो था, लेकिन जब यस्सु मेरी ज़िंदगी के अंदर आया, तो मेरी ज़िंदगी और ही पुरजलाल हो गई, और ज़्यादा बरकत, सरफराजी मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो नज़र आई। खाली मालो दौलत आपको निजात नहीं दे सकते, आपको बचा नहीं सकते, जब तक के मालकों का मालिक, खुदावंदों का खुदा, निजात देने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, आपकी ज़िंदगी पुरफजल जो है वो नहीं हो सकती। जो ही यीशु आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है, वो आपकी खिदमत को, वो आपके ख़ानदान को, वो आपके मामलात को जो है वो ब्लेस करता है, और आप इस दुनिया के अंदर उसके जलाल का मंबा जो है वो बन जाते हैं, और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों से दूसरी ज़िंदगियों तक जो है वो जाता है, जिसके वसीला से दूसरे आपको देख कर खुदावंद की बादशाहत के अंदर वो शामिल होने का फैसला करते हैं। आए हम अपने दूसरे मेहमान के साथ इस वक्त बात करेंगे। हम बात करेंगे पास्टर इमरान साहब से। भाई साहब, आप भी जो इस वक्त आपको फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, जो भी खुदावंद ने आपके दिल में बात डाली है अपनी जिंदगी के ताल्लुक से, खिदमत के ताल्लुक से, नाजरीन के साथ शेयर करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के फजल से कि आज हम यहाँ पे सबके साथ हैं। सबसे पहले मैं खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि वही मौके फराहम करता है ताकि हम एक दूसरे से मेलजोल रखें, मिल जाएं।
और उसके बाद मैं फजल टीवी के तमाम ग्रुप मेंबरान के लिए, जो मेंबरान हैं, भाई हैं, बहनें, उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम मिल बैठकर खुदा के नाम की गवाही दे सकें और अपनी गवाहियों को शेयर कर सकें। सबसे पहले मैं गवाही ये देना चाहता हूँ कि खुदामन के फजल से खुदामन ने 2007 में मुझे चुना और खिदमत में अपने लिया और हम खुदा के साथ चलते रहे। और खुदामन का फजल है, तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं और हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जहाँ कहीं कभी हमें बुलाया जाए खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के कलाम के लिए, तो खुदामन के फजल से हम वहाँ पे पहुँचते हैं। और आज जब सुबह मुझे कॉल आई पास्टर सामूल जलाल साहब की, मेरे भाई हैं जो वो आए, वो उन्होंने कहा था कि हमने जाना है वहाँ पे फजल चैनल पर, हमने जाके खुदा के नाम की गवाही देनी है और खुदा की बातों को शेयर करना है। तो मैं फ़ौरन उनके साथ राज़ी हो गया, मैं कहा हम चलेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे और खुदा के नाम की ही गवाही है और वही मौके फराहम करता है। अगर वो जैसे कि हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है और खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगेबान का जागना अब्स है। और जैसे एक और हवाला हम देखते हैं कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, कामयाबी फतहयाबी ना तो मशरिक से है ना मगरिब से है, कामयाबी आसमान से और मेरे खुदामन की तरफ से है। तो हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के कलाम के लिए, और रेडी रहना चाहिए और खुदा ही हमें ये मौके फराहम करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर इमरान, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो फजल टेलीविज़न के नाज़रीन के साथ जो हैं वो की। और देखिए नाज़रीन, भाई साहब भी यही बात कर रहे थे कि जब उन्होंने ये देखा खुदावंद की कॉल के ताल्लुक से तो उन्होंने उस बात के ऊपर अपने आप को जाहिर किया और खिदमत के अंदर जहाँ भी खुदावंद चाहता है उन्हें इस्तेमाल करता है। और जब भी वो इस आवाज़ को सुनते हैं कि जहाँ उनकी ज़रूरत है वो खुदावंद के फजल से वहाँ पर पहुँचते हैं और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आए अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादिम पास्टर अमजद नायत साहब से। भाई साहब, आप भी जो भी बात आपके दिल में है अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से, खिदमत के ताल्लुक से, फजल टेलीविज़न पे जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनसे शेयर करें। खुदावंद का शुक्र है आज हम इस प्लेटफॉर्म में, इस प्रोग्राम में शामिल हैं। खुदावंद का जलाल है ये, उसका फजल है। चूँकि मौके की मुनासबत से जो गवाही का सिलसिला है वो यूं है कि मैं कैथलिक फैमिली से बिलोंग करता था जी पहले, और खुदा उनका शुक्र है कि मुझे 2005 में जो है खुदा ने छुआ, नजात बख्शी, उसका फजल मेरी ज़िंदगी में बड़े गहरे तौर पर हुआ। तो FGA चर्च बाहर कलोनी की वसादत से ये भी एक ऑनर है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म कि खुदावन वहाँ लेकर गया। उसका एक प्लान था जो उसने अपने वक्त पर पूरा किया और मेरी ज़िंदगी में अपना मुकाशफा दिया। तो जैसे ही खुदावन ने मुझे छुआ मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई, चर्च में खिदमत शुरू की अपने सीनियर पास्टर्स के साथ। फिर 2005 में मैंने पानी का बपतिस्मा भी लिया। फिर खुदावन ने मुझे बाइबल कॉलेज के लिए जो है अपॉर्चुनिटी दी, तो मैंने अंदर से फील किया कि अब मुझे खुदा की बादशाही के लिए जो है सीख के प्रॉपर ट्रेनिंग करके खुदा की खिदमत करनी है। तो उसने पॉसिबल किया कि 2006 में जो है मैं FGA बाइबल कॉलेज से ट्रेनिंग करूं, वो मैंने 2008 में कंप्लीट की डिप्लोमा ट्रेनिंग। फिर उसके बाद जो BTH के लिए 2010 में उनकी फ़िज़िकली क्लासेस उधर शुरू हुई, पहले थीसिस होता था वैसे, लेकिन वो फिर 2011 में कंप्लीट की, खुदावंद का शुक्र है। फिर उसके बाद ऐसे खिदमत जारी रही और बाइबल ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे खुदा ने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा भी दिया। उसके लिए भी खुदावंद का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि खुदावंद ने अपने फजल को भरपूर तौर पे मेरी ज़िंदगी में जारी कर दिया।
और फिर और ज़्यादा बतदरीज तालीम पाते हुए खिदमत करते हुए सीखा, और फिर खुदावन ने यह पॉसिबल किया कि शुमाली इलाका जात में मुझे एक बोझ मिला कि वहाँ खिदमत शुरू की जाए। तो खुदावन का शुक्र है उसके लिए भी। गालिबन एक साल हम टीम के तौर पर दुआ करते रहे, और फिर एक साल के बाद हमने खिदमत शुरू की, और उसके बड़े मुस्बत पॉजिटिव नतायज निकले, जिसकी वजह से हम ज़्यादा रवा दवा हो गए, और खुदा ने फिर वहाँ और इलाके देने शुरू किए जहाँ पर अभी खिदमत जारी है। और खुदा उनका शुक्र है कि उसने ये फजल किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर अमजद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो नाज़रीन के साथ कीं, और खुदावंद का शुक्र करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए, उस तोड़े के लिए जो खुदावंद ने आपको बख्शा है। और फजल टेलीविज़न की सारी टीम दुआगो है कि ये तोड़ा खुदावंद के फजल से आप इसको चमकाते रहें, और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों से इसी तरह जो है वो ज़ाहिर होता रहे। जी नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और गुफ्तगू का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और ख़ास तौर पर उन नाज़रीन को जिन्होंने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। यकीनन इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे, और खुदावंद का नाम आप सबों की ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाएगा। आए नाज़रीन, अभी हम चलते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ, और कलाम के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ खुदा की खादमा सिस्टर महविश की तरफ, जो खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रही हैं। आएं इस कलाम को सुनें और बरकत को हासिल करें। मैं चाहती हूं आएं फुली तौर पर अपने हाथों को बुलंद कीजिए। वो जो पानियों पर जुम्बश करता आज रात मेरे और आपके दरमियान में मौजूद है। आइए अपने दोनों हाथों को लहराकर खुदा के पाक रुखों को कम कीजिए। वो आपकी जिंदगी में काम करने को है। आए जोरदार तालियों में आज की शाम का जलाल यीशु के नाम को दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जब भी फैसलाबाद में आए हैं, फैसलाबाद के लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी और बताया कि फैसलाबाद के लोग जिंदा दलाना लोग हैं। हालेलुया। फिर नारे तो पता चलना चाहिए कि जिंदा दलाना ही नहीं। हालेलुया। अभी भी नहीं फैसलाबाद वाली आवाज आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हालेलुया। खामोशी के साथ मेरा अजीज़ो, दिस इज वेरी प्रेशियस मोमेंट। ये बड़ा पाक लम्हा है। इट्स होली मोमेंट, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। हालेलुया। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मेरे अजीज़ो, बिकॉज आई बिलीव वन वर्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। कितने लोगों के पास बाइबल है? ये खुदा का जिंदा कलाम। I believe इस कलाम का एक ही लफ्ज काफी है कि आप सबकी जिंदगी को तब्दील कर दे। कितने लोग का ईमान है? हालेलुया। तो आज रात खुदा का कलाम बंजर जमीन को सैराब करेगा। आज रात खुदा का कलाम अंधों की आंखों को खोलेगा। आज रात खुदा का कलाम लंगड़ों को चलाएगा। अगर आप ईमान रखते हैं तो बुलंद आवाज से कहिए आमीन, आमीन। मेरे अजीज़ो, आज रात मैं चाहती हूँ जब खुदा की आवाज को आप सुने, जब आप खुदा के कलाम को सुने, तो आप ईमान से कहें ये कलाम मेरे लिए है। इस कलाम के अल्फाजों के वसीला से, इस कलाम के वसीला से मैं शिफा पाऊंगी। हालेलुया। तेल तेते पानी दे ईमान ना रखो,
जिंदा यीशु पर ईमान रखिए जो पानी को बनाने वाला है और जो कहता है कि तुझ में से जिंदगी का चश्मा फूट निकलेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों आज रात जो कलाम आपको सुनाने को हूं उसका मजमून है, टॉपिक है गुड न्यूज फॉर यू, खुशखबरी आपके लिए। इधर पीछे भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है गुड न्यूज फॉर यू। मेरे अजीजों गड्डी लेनी हो ना, कार जा जाने हैं, मां तेनों बड़ी खुशखबरी देनी है, कोई और काम करना हो तो हम एक दूसरे को बताते हैं आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। लेकिन मेरा जीसो आज जो गुड न्यूज मैं आपको देने का हूं इट्स नॉट अबाउट द वर्ल्डली थिंग्स, ये खुशी की खबर दुनिया की चीजों के बारे में नहीं है। ये खुशी की खबर ये नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा और चंद दिन के लिए होगा। टुडे आई हैव द गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है अगर आप चल नहीं सकते आप चलना शुरू कर देंगे, देख नहीं सकते देखना शुरू कर देंगे, बोल नहीं सकते बोलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। मेरे पास खुशखबरी है अगर बीमारी में आए थे तो शिफा पाकर जाएंगे। बदरूहों ने आपको जकड़ा हुआ था, बहन जल्दी से भागती हुई जरा सामने आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, खुशखबरी है मेरे पास आपके लिए जल्दी से भागते हुए। अभी कलाम नहीं सुनाया गया ते पहले ही बड़े बड़े काम मौजजात। हालेलुया। आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास खुशी की खबर है। आप दुनिया के पानी पर दुआ कराना चाहते हैं, वो आपके अंदर जिंदगी के पानी का चश्मा जारी करेगा। हालेलुया। आज रात खुदा के कलाम ने आपको हिलने नहीं देना, बल्कि अक्सर हम कहते हैं झोलियां भर के। आज गुड न्यूज है कि आप झोलियां भर के मौजजात को लेकर जाएंगे। हालेलुया। और ना सिर्फ गुड न्यूज यही है, खुशी की खबर आज रात खत्म नहीं हुई, और भी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि आज रात आपके गुनाह माफ होंगे। कितने चाहते हैं आपके गुनाह माफ हों? आज रात आपके गुनाह माफ होंगे। नानो यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, एक और खुशखबरी है। कितने आज और खुशखबरी लेना चाहते हैं? और खुशखबरी पीछे वाले सुनना चाहते हैं जी? चाहते हैं तो जरा हाथ लड़ा कर दिखाइए। आगे वाले सुनना चाहते हैं और खुशखबरी? और खुशखबरी ये है कि आज रात आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। हालेलुया। कितने हैं जो हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं? सो टुडे आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। ये बहन जब मैं प्रिजाइडिंग कर रही थी बदरूहों ने इनको झकड़ा हुआ था और खुदा के पाकरों ने मुझे कहा कि आज रात ये आजाद होंगी। जैसे ही इनकी तरफ रुख किया, मेरा जीजो आप इंसान के पास्टर्स के हाथ की तरफ देखते हैं, नो आज हमारा हाथ नहीं बढ़ेगा। आज यहाँ पर बादशाहों का बादशाह खुदा का खुदा मौजूद है और जब उसका हाथ बढ़ता है तो बड़े बड़े काम होते हैं। यहाँ पर ही मैं खड़ी थी, मैंने दुआ की और खुदा के पाकरों ने मुझे कहा कि आज मैंने इस बेटी को आजाद किया है। हालेलुया। तो आइए इस बहन से सुनते हैं कि कितनी देर से यह जकड़ी हुई थी। जी सिस्टर जी। सबको सलाम। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर से बदरूहों में गिरफ्तार थी। जब मैं आने लगी थी यहाँ पे प्रे फेस्टिवल पर तो मैं बस में बैठी तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मैं अपने घर वालों से कह रही थी कि मेरा पता नहीं दिल क्यों घबरा रहा है। वो कह रहे नहीं कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं तो खुदा अच्छा करेगा।
और मुझे नहीं था पता कि आज मेरे यसु नासरी ने मुझे शिफा देनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ अब्लीस को शर्मिंदा करने और अपने खुदा में यसु मसीह नासरी के नाम को जलाल। कितने सालों से बदरूहों ने आपको झगड़ा हुआ था? बहुत देर हो चुकी है। क्या मैंने आप पर हाथ रखा? मेरे यसु ने मुझे शिफा दी है। क्या पास्टर इमरान ने आप पर हाथ रखा? मेरे यसु नासरी ने मुझे शिफा। किसने आपको आजाद किया? यसु ने। किसने आजाद किया? आए यसु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये खुशखबरी सिर्फ बहन के लिए नहीं है। अगर कोई मेरा भाई पीछे भी बैठा है जो पुलिस के हाथों दुख उठा रहा है, आज आप आजाद होंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, आए अपने हाथों को इस बहन की तरफ बढ़ाएं। हम इनके लिए बरकत चाहेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा खुदस पाक, खुदा खुदा मैं तेरे रुखी आंख को, तेरे रुखी आंख को इस बहन पर चाहती हूं, ताकि आज के बाद ये तेरे जलाल में बढ़े, आज के बाद तेरे मस्सा में बढ़े। आज तूने इसे आजाद किया, आज इसका प्रेयर फेस्टिवल में आना इसके लिए बरकत का वसीला बना। हम तेरा शुक्र अदा करते मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए, बहन को उठाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप खुश हैं? जी मैम। आए जरा भागती हुई दौड़ती हुई स्टेज से नीचे वापस चले जाएं, यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। Praise the Lord. मेरे अजीजों, आज खुशखबरी ये है कि वो आपको बीमारियों से शिफा देगा और आपको अब्लीस की तासीरों से रिहाई बख्शेगा। आज आपने मेरी तरफ नहीं ध्यान लगाना, ये नहीं कहना दुआ, बल्कि कलाम सुनी है। और जब आप कलाम सुन रहे होंगे, कलाम के वसीला से ही आप अपने मुजज़े को हासिल करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में अगर मरकस की अंजील उसके दूसरे बाब की पहली 12 आयात को पढ़ें, वक्त को देखते हुए मेरे अजीजों, इस हवाले को मैं वैसे ही जल्दी से पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे अजीजों हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक घर के अंदर बैठा हुआ है और घर के अंदर जगह नहीं है, एक मफलूज है, चल नहीं सकता, मंजीते चार पाई पर। उसके चार दोस्त उसको लेकर यीशु के पास आते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ। वो दोस्त हिम्मत नहीं हारते, परेशान नहीं होते, देखते हैं कि घर में तो जगह नहीं, छत पर चले जाते हैं, छत को उधेड़ना शुरू कर देते हैं। आइए कलाम को सुनिए। छत को उधेड़ना शुरू कर देते हैं और वो चार दोस्त मदद करते हैं अपने मफलूज दोस्त की और उसको वहां पर उतारा जाता है। आइए मेरे अजीजों, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब उतारा जाता है तो आगे क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और लोग एक मफलूज को चार आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबसे उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटा दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। सन, योर सिंस हैज फॉरगिवन। और लिखा है, मगर वहां फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, यीशु के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। और फिर फौर यीशु ने अपने रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तो अपने दिलों में ये बातें क्यों सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान जाओ कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार दिया है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और लिखा है, और वो उठा और फिर फौर चारपाई उठाकर उन सबके सामने से चला गया। मेरा अजीजों,
एक ही लम्हा के अंदर वो बिस्तर, वो चारपाई जिस पर वो कई सालों से लेटा हुआ था, जस्ट विद इन अ सिंगल मूवमेंट, एक ही लम्हा के अंदर यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ किया। और ना सिर्फ गुनाहों को माफ किया बल्कि उसने सिर्फ कहा, उठ अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो चारपाई जो उसको इतने सालों से अपने ऊपर उठाए हुए थी, वो शुगर, वो ब्लड प्रेशर, वो टेंशने, वो कैंसर, वो हेपेटाइटिस, तरह तरह की बीमारियां जिन बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं, वन वर्ड फ्रॉम जीसस, यीशु की तरह से एक ही लफ्ज, और आप अपने मौजूदे को हासिल करेंगे। ना सिर्फ मौजूदे को हासिल करेंगे, वो मफलू जिस चारपाई पर लेटा हुआ था उसी घड़ी वो उठ खड़ा हुआ और उस चारपाई को उठाता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ अपने घर में लौट गया। आज आप किस चारपाई पर लेटे हुए हैं? आज बीमारी, मुश्किल, परेशानी, गर्भवत, कैंसर, टीबी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है औलाद नहीं है, परेशानी के अंदर है, मुश्किलात में है, और आपको लगता है इन बीमारियों ने, इन हालातों ने मुझे मफलूज कर दिया है, हाय हुण गोडे आज ताकत नहीं रही। मेरे जी से ऐसा नहीं है, एक ही लम्हे के अंदर आप उस बीमारी को उठाएंगे और घमा कर अबलीस को अपने पाँव के नीचे कर देंगे। हालेलुया, क्योंकि मेरे अजीज अबलीस आपके और मेरे पाँव के नीचे है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना खून बहाकर खरीदा है। We are purchased by the blood of Jesus. And the blood of Jesus heals us from all kind of sicknesses. और यीशु का खून हमें बीमारियों से शिफा देता है। यीशु के मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। ना सिर्फ शिफा बल्कि मेरे अजीज उसके मार खाने से, उसके खून के वसीला से, blood of Jesus के वसीला से आप गुनाहों से भी रिहाई पाते हैं। जैसे इस मफलूज के गुनाह माफ हुए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, there are so many sicknesses and diseases, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी मुश्किलात आपके गुनाह की वजह से आपकी जिंदगी में आती। कलाम में लिखा है वह गुनाहगार से तो प्यार करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, वो तुझसे तो बड़ा प्यार करता है, लेकिन दिल च जरा शैतान बिठाया है ना, एनू बाहर कड्डो, फिर ही बरकत मिलेगी, फिर ही शिफा मिलेगी, फिर ही हमेशा दी जिंदगी दे वारस बन जाओगे। हालेलुया, आज रात वो आपकी बीमारियों से आपको शिफा देना चाहता है। ना सिर्फ बीमारियों से शिफा देना चाहता है बल्कि आपके गुनाहों को माफ करना चाहता है। कलाम के अंदर लिखा है यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। जीसस क्राइस्ट इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, इसका मतलब ये है वो मौजूदात जो यीशु मसीह 2000 साल पहले करता था, वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था भागती हुई आई, यीशु की पोशाक को छुआ, क्या हुआ? आवाज बड़ी ढीली है तो क्या हुआ? अगर आज आप भी भागते हुए, दौड़ते हुए यीशु के कदमों में आ जाएंगे, यीशु की पोशाक को छू लेंगे, तो कितनी भी बड़ी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, एक ही लम्हा के अंदर यीशु के नाम से जाती रहेगी। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजो, हम खुदा के कलाम के अंदर देखते हैं तरह तरह की बीमारियों में जो मुब्तला लोग थे। अगर हम खुदा के कलाम में देखें मत्ती की अंजील 15वें बाप की 30वीं आयत के अंदर लिखा है, और एक बड़ी भीड़, आज भी बड़ी भीड़,
पीछे जगह नहीं है भाई, साइड पे खड़े होकर कलाम को सुन रहे हैं। एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गुंगों, टुंडों और बहुत से बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा किया। आज आई डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ जीसस, आज यीशु के नाम से इस बात का ऐलान करती हूँ, अगर आप यहाँ पर आए हैं देख नहीं सकते, यीशु के नाम से देखना शुरू करेंगे। अगर आज आप इस फेस्टिवल में आए हैं बोल नहीं सकते, यीशु के नाम से बोलना शुरू करेंगे। चल नहीं सकते, चलना शुरू करेंगे। बहने बांझ है, यीशु के नाम से बच्चों वाली बन जाएंगी। हालेलुया। Why? क्योंकि आप खुदा की हजूरी में आए हैं, खुदा का तख्त यहां पर लगा हुआ है और खुदा का पाक रूह कसरत से चुंबिश कर रहा। कितने लोग उसकी हजूरी को महसूस कर रहे हैं? आइए अपने हाथों को लहराइए और खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा है बहुत सी ऐसी बहने हैं बाजू के अंदर दर्द थी, हाथ लहरा रहे हैं अब दर्द चली गई है, देख नहीं सकते थे। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज शोइंग मी राइट नाउ, एक भाई पीछे बैठा है देख नहीं सकता था, आपको मैं बिल्कुल ठीक नजर आ रही हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बीमारों को शिफा देता है, गुनाहों को माफ करता है, अंधों की आंखों को खोलता है। कलाम में लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आज शिफा पे बात खत्म नहीं हो जानी, आज उसने आपके लिए नजात का दरिया बहाना है। हालेलुया। अगर आप ईमान रखते हैं तो बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों हम खुदा के कलाम में देखेंगे अमाल की किताब के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, उसके दूसरे बाब के अंदर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि कैसे खुदा ने यीशु मसीह को मसा किया और फिर क्या हुआ। जो अबलीस के हाथों दुख उठाते, जैसे बहने अबलीस के हाथों दुख उठा रही थी, क्या हुआ कि जब खुदा ने यीशु को मसा किया। आइए खुदा के कलाम की वर्ड्स पढ़ते हैं, अमाल 10वें बाब की 38वीं आयत, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके आज मेरे अजीजों खुदावंद आपके दरमियान में उतरा हुआ है। वो मौजज़ात जो वो 2000 साल पहले करता था, द सेम मिरेकल्स, वो आज भी करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। लेकिन क्या आपका ईमान उस मफलूज की मानद है या आपने फैसला ही कर लिया? कई बहनें बड़ी नेगेटिव बातें करती हैं, हाय 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 मैं तो हुण मारी जाना। नो, आपने ऐसा नहीं कहना, आपने कहना है कलाम में लिखा है कि मैं जिंदा रहूंगी, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, वो खून जो उसने सलीब पर बहाया उसमें मेरी मखलसी है, वो मेरी खातिर सलीब पर चढ़ गया, उसने मेरी खातिर एक कम 40 घोड़े खाए। बात यहां पे खत्म नहीं हुई, दफन किया गया, मेरे और आपकी बीमारियों को, मेरे और आपके गुनाहों को अपने साथ कब्र में ले गया। लेकिन खुशखबरी, गुड न्यूज फॉर यू, जितने भी आप देख रहे हैं, गुड न्यूज फॉर यू, कि मौत भी उसे अपने कब्जा में ना रख सकी। आई मौत तेरा डंक कहां रहा, तीसरे दिन वो मर्दों में से जी उठा, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, और अब्दुलाबाद जिंदा है। जोरदार तालियां, हम गीत भी गाते हैं, सारी दुनिया दी कब्रां विच एक की कब्र खाली है और वो किसकी है पता ही नहीं चलिया, किसकी है, किसकी है,
और मेरे अजीजों, हम कितने ही खुशकिस्मत लोग हैं, वह हमारी खातिर आया, हमारी खातिर मर गया और हमारी खातिर जी उठा, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। हालेलुया। खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा है कि वो यहाँ पर बड़े बड़े काम करने को है। प्रेज द लॉर्ड। आपने कलाम सुना कि यीशु ने पहले उस मफलूज के गुनाहों को माफ किया। चेक करो किड़े किड़े गुनाह ताड़े अंदर ने, सिगरेट, शराब, बहनें भी कई सिगरेटें पीती हैं, चुगलियां, नफरत, तरह तरह के गुनाह। आई डोंट वॉन्ट टू पॉइंट आउट, मैं आपके गुनाहों को आपको बताना नहीं चाहती, क्योंकि जो बेहतरीन बात यह है कि यीशु मसीह मेरी और आपकी शर्म को दूर करता है। वो कहता है तेरे गुनाह किरमिजी भी क्यों ना हो, मैं उनको बर्फ की तरह धोकर। तो आज का क्या टॉपिक था? गुड न्यूज, खुशखबरी यह है कि आज वो आपके गुनाहों को, आपके 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 गुनाहों को धोकर पाक साफ करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। यकीनन मेरा जीजो, मेरा और आपका खुदा बड़े बड़े काम करता है। मौजज़ात का खुदा है, अंधों की आंखों को खोलता है, लंगड़ों को चलाता है। आइए अपनी आंखों को बंद खिल लीजिए। दिस इज द रियली होली मूवमेंट। ये वो पाक लम्हा है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कसरत से काम करे। अब वो लम्हा है कि आप यीशु मसीह को अपना दिल दें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, वो लोग जो गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, पूरी बरकत आज लेकर जाइएगा। अभी बीमारों के लिए भी दुआ होने को है। वो लोग जो यीशु को कबूल करना चाहते हैं, दिल देना चाहते हैं, आज चाहते हैं कि यीशु आपके गुनाहों को माफ करे, आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। किसी भी तरह का गुनाह है, दुनिया के कैमरे से आप बच सकते हैं, लेकिन यीशु के कैमरे में आप हैं। वो जानता है कि किस वक्त आपने कौन सा गुनाह किया था। ये वो लम्हा है कि वो आपके गुनाहों को माफ करे। जो खड़े आए दोनों हाथों को फुली तौर पर बुलंद कीजिए। जो यीशु को दिल देना चाहते आए अपने दोनों हाथों को बुलंद कीजिए। खामोशी के साथ जो खड़े हैं यीशु को दिल देना चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, फुली तौर पर अपने हाथों को बुलंद कीजिए। आए मेरे पीछे कहिए, आए खुदावंद यीशु, आज शाम मैंने तेरे कलाम को सुना है और मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, करती हूं। तो मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बना। जिंदगी के तमाम आयाम अब मैं तेरे साथ चलूंगा, मसीह के नाम से, आमीन। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद रखिए। प्रेज द लॉर्ड। खामोशी इख्तियार कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक खुदा, इन प्यारों के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती। आज रात इन्होंने तेरी आवाज को सुना और तुझे अपना दिल दिया। तेरे कलाम में लिखा, जितनों के कसूर गुनाह तुम माफ़ करोगे, मैं उनके गुनाह माफ़ करूंगा। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावंद, तू इनके गुनाहों को माफ़ कर, इनको अपना बेटा अपनी बेटी बना, ताकि जब तक ये जिए तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और तुझसे लिपटे रहें, मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। मेरे अजीजो, दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आज ये जो यीशु को आपने दिल दिया है, आपकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला है। आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए, जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन आपने खुदावंद के खादमा से खुदावंद का जिंदा कलाम सुना और यकीनन इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। और यकीनन खुदा का कलाम जब भी नाजिल होता है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली को, फजल को, बरकत को जो है वो लेकर आता है। और आज भी ऐसा ही आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो रूनुमा होगा। यकीनन आप चाहते हैं कि इस वक्त आपके लिए जो है दुआ की जाए, तो आएँ हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं आपकी दरख्वास्तों के लिए, आपके लिए जो वो दुआ करेंगे ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद के फजल से वो आपकी जिंदगी में से निकलें और खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों के ऊपर जो है वो जाहिर हो। आए अपने सिरों को झुकाएं और हम सभी खादमीन मिलकर आपके लिए जो है वो दुआ करेंगे। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को वडयाते हैं। और मैं खुदावंद तेरे खादमों के साथ मिलकर इस वक्त खुदावंद जितने भी हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं खुदावंद खुदा, उन सबों को तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आता हूँ, तेरे फजल के नीचे लेकर आता हूँ खुदावंद खुदा। इन तमाम दरख्वास्तों को जो उन्होंने खुदावंद तेरे मसबा के ऊपर खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर रखी हैं, तो इनके दिलों को जानता है खुदावंद खुदा, तो इनकी ज़रूरतों से वाकिफ है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को जानता है खुदावंद खुदा। तेरे कलाम के अंदर लिखा कि तू मुश्किल कुशाह है खुदावंद, और तू ही हमारी मुश्किलों को आसान करता है खुदावंद खुदा। तो मैं तेरे फजल को इन जिंदगियों के ऊपर रिलीज करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस राइट नाउ खुदावंद खुदा। अगर कोई बीमार है तो वो यीशु नासरी के नाम से खुदावंद शिफा को हासिल करे, हर तरह की बीमारी को, वबा को, परेशानी को हम तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा, जाती रहे। तेरे लोग तेरी हजूरी से सरफराजी को पाए खुदावंद खुदा, बरकत को हासिल करें इनके मामलात के अंदर, इनकी जॉब्स के अंदर, इनके बिजनेस के अंदर खुदावंद खुदा। हम तेरी बरकत को, सरफराजी को, सलामती को हासिल करते हैं खुदावंद खुदा। कसरत से इन्हें छू और ब्लेस कर ताकि ये तेरे यीशु नासरी नाम की गवाही दें और तेरा नाम इनकी जिंदगियों के अंदर ऊंचा हो खुदावंद। हम एक एक को तेरे फजल के अंदर देते हैं और तेरे कवि हाथ के नीचे देते हैं, तेरा लहू हमेशा इनकी हिफाजत करता रहे और ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें यीशु नासरी के नाम से, आमीन। यकीनन नाज़रीन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को और सरफराजी को जो है वो हासिल किया है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, हम अपने मेहमानों का शुक्रिया करेंगे। पास्टर सैमुअल जलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह पास्टर अनवर भट्ट साहब, आपका भी शुक्रिया। पास्टर इमरान साहब, आपका भी शुक्रिया। और पास्टर अमजद नायत, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो आए। और नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमेशा इस प्रोग्राम को जो है वो देखते हैं और हमें फीडबैक देते हैं। इसी तरह खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। एक हम दोबारा आपकी खिदमत के अंदर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।